अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं खजरिया फ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने वादे को पूरा करते हुए बेला मंडल कुकदूर के लोगों के लिए मिनरल वाटर की फराहमी को बनाया यकीनी। अदलाबाद ज़िला कांग्रेस सदर सालिद खान ने बदले अपने अल्फाज, कंदी श्रीनिवास रेड्डी के मामले में लिया यू टर्न। शेख ज़ुबैर अहमद बहैसियत सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मुंतखब, नायब सदर नशीन बल्दिया की क़यादत में पेश की गई तहनियत। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के रियासती कायद और केएसआर फाउंडेशन के सरबराह कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बेला मंडल खुकदूर के लोगों को मिनरल वाटर तकसीम करने के अपने वादे को पूरा किया, जिन्हें गुज़िश्ता सैलाब के दौरान पीने के पानी की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। खुकदूर का दौरा करने आए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को गाँव वालों ने तवज्जो दिलाई कि सैलाब की वजह से पीने के पानी की पाइपलाइन ख़राब हो गई और पानी की सप्लाई में खलल पड़ा है और उन्हें पीने के पानी में मुश्किल का सामना है। इन्होंने फौरी जवाब देते हुए अपने फाउंडेशन के ज़रिए ना सिर्फ साफ़ पानी फराहम किया बल्कि पानी के मसले को हल करने के लिए मिनरल वाटर सप्लाई के अखराज के लिए 30,000 रुपये भी फराहम कर दिए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन व दीगर मौजूद थे। जो हमको ज़रूरत थी वो ज़रूरत पूरी हो गई, क्योंकि जो फ्लड के टाइम पे जो गंगा बाढ़ आई थी, फ्लड के टाइम पे जो हमारे खेतों का नुकसान होगा, हमको पीने का पानी नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में कंदी श्रीनिवास साहब ने जो वादा किया था, जो वादा पूरा करके हमको चार दिन, हमने पूछे थे साहब को, साहब हमारे खेता तो डूब गए लेकिन पीने का पानी का भी बहुत हमको मुसीबत झेलना पड़ रही है। आ रहे जा रहे, आ रहे लीडरा जा रहे, कोई पीने के पानी के बारे में कोई पूछने वाला तैयार नहीं था। लेकिन हमारे नेता कंदी श्रीनिवास साहब हमारे गांव में आए तो हमारी समस्या उनको बताए और ये समस्या का हल उन्होंने करके बताए। ये वादा पूरा करके कंदी श्रीनिवास साहब ने आज हमको ये पानी के पैसे गांव वालों के सामने देने का, आज काम करने का ये काम पूरा कर दिए। और इस वास्ते हम गांव वालों के तरफ से और हमारे तरफ से कंदी श्रीनिवास साहब का और पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम सब गांव वालों के तरफ से और हमारे तरफ से धन्यवाद करते। कंदी श्रीनिवास ने सांगल कि तुम्हें टेन्शन नका घे, त्याची हाल समस्या मी काही ना काहीतरी पूरी करतो। पिण्याच्या पाण्याची समस्या सगळ्या गाववाल्यांना मिळून त्यांना सांगितली आणि ती समस्या त्यांनी पार पाडली। बेल्याले येऊन मिनरल वाटर पिण्याचं शुद्ध पाणी येतं चार दिवस पोहोचवलं आणि गाववाल्याची समस्या सगळी झाली। म्हणून आज त्याचं किती झाले बिल का नाही, कंदी श्रीनिवास आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्याले काँग्रेस पार्टीच्या कार्यकर्त्याला घेऊन खोकदूर गावामध्ये येऊन त्याचे पैसे आदा केले। आमच्या गावामध्ये पाणी पाऊस खूप पडला होता आणि पूरं पुडबुडीनं पाणी आणता यायचं नव्हतं, तर तसेच कंदी श्रीनिवास सर आमच्या गावामध्ये आले आणि चार दिवस फिल्टर पाणी प्रत्येकाले एक बाटल चार दिवस पाणी पाजलं। असं कंदीवास श्रीनिवास सरनं आमच्या गावामध्ये पाण्याची खूप मदत केली, असं मी कंदी श्रीनिवास सरला असं अभिनंदन करतो। मरे ఈ ప్రాంతమంతా వరదలు వచ్చినప్పుడు ఈ గ్రామానికి మేమంతా రావడం జరిగింది। వచ్చినప్పుడు గ్రామస్తులు వారికి ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఇబ్బంది మరి నీటి సమస్య అని చెప్పి కందీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తేవడం। కందీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వెంటనే స్పందించి తాను తన ఫౌండేషన్ ద్వారా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులందరి ముందర ఎన్ని రోజులైనా మినరల్ వాటర్ రాపండి, నీరు వచ్చే వరకు మీరు మినరల్ వాటర్ తో గ్రామస్తులందరికీ అందించండి అని చెప్పి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా స్థానిక నాయకులకు గాని అందరికీ చెప్పడం। ఆ తర్వాత మరి దాన్ని 4 రోజుల వరకు వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని స్థానిక నాయకులందరి దగ్గర నుండి చేపట్టడం, మరి దాన్ని ప్రతి ఇంటికి చేరవేయడం, మరి కందీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఇదొకటే కాదు, ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నాడు। ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు
నియోజకవర్గంలో ఆయన 2.5 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి ఎక్కడ పట్టణంలో ఎక్కడ ఈ సమస్య వచ్చినా తన దృష్టికి వచ్చిన వెంటనే పరిష్కారం చేస్తూ ఫౌండేషన్ ద్వారా ముందుకు సాగుతున్నాడు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ సదర్ సారిద్ ఖాన్ నే కహా కి హై కమాన్ కా ఫైసలా ఉన్కే లియే కాబిల్ కబూల్ హోగా. अदलाबाद शहर मुस्तकर में साबिक वज़ीर सीआरआर की रिहाइश पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए इन्होंने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया. इन्होंने कहा कि हम सब एक ही है. इन्होंने वाज़ह किया कि पार्टी हाईकमान की जानिब से सर्वे जारी है और अगर कंदी श्रीनिवास रेड्डी को टिकट मिलता है तो हम सब मिलकर जीत के लिए काम करेंगे. इन्होंने कहा कि पार्टी कायदीन और हाईकमान जो भी फैसला करेगी उसकी पासदारी करेंगे. पार्टी सर्वे मनि द टिकट आयन को पेर अस्ते आयन सुयु मैं अधिष्ठा एम निर्णय दिन कटबड़ उन्म. आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने तेलंगाना स्टेट पुलिस की जानिब से हालिया दिनों जारी किए गए नतज में ज़िला मुस्तकर आदिलाबाद के नौजवान शेख ज़ुबैर अहमद को बहैसियत सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मुंतखब होने पर शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और उन्हें मुबारकबाद पेश की. इस सिलसिले में पार्टी कायदीन के हमरा उन्होंने ज़ुबैर अहमद के घर पहुँच कर इस सिलसिले में उन्हें मुबारकबाद दी. इस मौके पर जहीर रमजानी ने कहा कि नौजवान शेख ज़ुबैर अहमद के वालिद शेख जावेद अहमद काबिल मुबारकबाद और काबिल तारीफ़ है जिन्होंने अपनी मामूली सी आमदनी के बावजूद अपने फर्जंदान को बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम किया और उनकी तमाम तालीमी ज़रूरतों को पूरा किया. इन्होंने अदलाबाद के दीगर नौजवानों को ज़ुबैर अहमद की कामयाबी से सबक हासिल करते हुए सख्त मेहनत व लगन से तालीमी मनाजिल तय करने का मशवरा दिया. इस मौके पर काउंसलर्स पार्टी कायदीन व दीगर मौजूद थे. और एक बच्चा भी है वो बोलो तहसील वाले अभी रिजल्ट आने का है इनका इंशाल्लाह आ जाएगा अगले महीने और इन्होंने भी अच्छे मार्क्स लाए और कांस्टेबल में प्रिपेयर हो जाए. हमारे मेरा नाम सुबह है. हमारे गांव का नाम चाली है. एज पढ़ा मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा बचपन में फिर इंटर विद्यार्थी में करा फिर डिग्री नालंदा में करा. बस डिग्री होने के बाद बस एक साल खाली सेल्फ प्रिपेयर होगा. सेल्फ प्रिपेयर होने के बाद बस एग्जाम लिखा डायरेक्ट रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह. जिला कलेक्टर आदिलाबाद राहुल राज ने कहा कि बैंकरों को चाहिए कि वो अहदाफ के मुताबिक अहल इस्तेफादा कुनिंदगान को कर्ज फराहम करें. ज़िला कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में जून 2023 के आखिर में बैंकरों के साथ ज़िली सतह की राबता मीटिंग का इनेकाद किया गया. ज़िले में मुख्तलिफ महकमों के जरिए हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा अहदाफ के मुताबिक बैंकों से मुस्तहिक गरीब मुस्तहिकीन को फसल से मुतालिक रोज़गार के यूनिट्स के क़ियाम तालीमी मकानात और दीगर तरजीही कर्ज़े देने की हिदायत की. सरकारी महकमे के अफसरान और बैंक अहदेदारों को चाहिए कि वह हम आहंगी पैदा करें और मुकर्रर अहदाफ को हासिल करने के लिए मुकर्रर मुद्दत के अंदर कर्ज फराहम करें. बैंकर्स को मशवरा दिया कि वह मुतालिका हुक्काम के साथ हम आहंगी पैदा करें ताकि कर्ज़ों की बरवक्त अदायगी की जा सके. डेयरी इंडस्ट्री आला तालीम सनतों के क़ियाम और मज़दूरों को खुद रोज़गार के कर्ज़े ज़ाब्तों के मुताबिक फराहम करने का हुक्म दिया. इसके बाद कलेक्टर और DCCB चेयरमैन ने 2023-24 के लिए सालाना लोन प्लान बुक की नकाब कुशाई की. अन्य बैंक स्पेशल SBI का नियम TCB का नियम सो अदर ब्रांच बैंक्स का नियम ब्रांच वाइज मेरे मी डिपार्टमेंट अने मी बैंक वाले कुर्चोनी रीजनल ब्रांचेस का नियम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का नियम वाला अंतर कुछ कुर्चोनी ये ब्रांच पोटेंशियल इतना सर्विस एरिया इतना अगर पोटेंशियल इतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ इतना अदर सेक्टर्स में सोशल वेलफेयर स्कीम्स ఉన్నాయి సో అన్ని కూడా ఎస్టిమేషన్ చేసుకొని ఈ బ్రాంచ్ కి ఇంత టార్గెట్ అన్నది మీరు సెట్ చేసి మీరు కూడా ఒకటి ఇంటర్నల్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి చెప్తే అప్పుడు అది అచీవ్ చేయడానికి మనకి పాజిబిలిటీ ఉంటుంది. సో అది చేస్తారంటే నేను లాస్ట్ టైం కూడా అడిగినా. కాంగ్రెస్ కి రియాసతి قائد కంది శ్రీనివాస రెడ్డి కి خدمات بے مثال ہے. ان کی جانب سے شروع کیا گیا ज़रूरतमंदों और मुसाफिरों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है. इस कायम से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा हासिल करते हुए उन्हें दुआओं से नवाज रहे हैं. मुंदु नारायण कुलंता मम्मली आग मुझे सिंधु अन्ना मुंदु दिनार पिंचु अन्ना मी
महकमा तालीम में सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा हो गई है, मुस्तहिकीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वाज़ेह हो कि CRTs की हालिया तकर्ररियों में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। हालिया वाक़या उसका बराह रास्त सबूत है। अदलावा DO के दफ्तर में नई मुनक़्क़दा CRT भर्ती काउंसलिंग में ये पता चला कि बोथ में समाजी उलूम की पोस्ट खाली थी और इस पोस्ट को जैनत मंडल के गाँव करंजी कोरा की रूपा को अलर्ट करने के अहकाम जारी किए गए थे। वो वहाँ तकर्री के अहकाम लेकर गई और उन्हें एक तल्ख तजुर्बा हुआ। उसने अपने शोहर के साथ DO से मुलाकात की, क्योंकि स्पेशल ऑफिसर ने वापस भेज दिया कि इस अहदे के लिए कोई जायदाद नहीं है। DO ने उसे गादी गुड़ा के GVB जाने के अहकाम दिए। सुनने में आ रहा है कि मुतासरा रूपा के साथ नाइंसाफ़ी की गई, क्योंकि गादी गुड़ा कस्तूरबा गांधी स्कूल में काम करने वाली CRT अजमेरा सरोप ज़िला के रुकन असम्बली के रिश्तेदार है। ये बात ज़ेर बहस बन गई है कि मस्कुरा CRT अपना सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए बोध CRT के तौर पर बराह रास्त पोस्टिंग आर्डर हासिल कर लिया। इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर से शिकायत की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉयज़ यूनियन CITU अदलाबाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम कॉन्ट्रैक्ट ANM को रेगुलर करने का मुतालबा करते हुए ख़तरे की घंटी बजाई। अदलाबाद कलेक्टर के दफ्तर के सामने हड़ताल के तीसरे दिन के हिस्से के तौर पर इन्होंने घुटनों के बल बैठ कर इख्तराई अंदाज में एहतजाज किया और मुख्तलिफ मुतालबात का तस्करा करते हुए हुकूमत को जल्द जवाब देने और उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। సార్ ఈ రోజు మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆల్
డిస్టిక్లలో సెకండ్ ఎన్ఎంసి రోజు ధర్నా కార్యక్రమంలో కూర్చొని మూడు రోజులు గడిచినది. కానీ మాకు ఎలాంటి స్పందన రాలేదు ప్రభుత్వం నుంచి. మేము గత 16 సంవత్సరాల నుంచి వెట్టి చాకరికే పరిమితమైపోతున్నాము. మా యొక్క ఆరోగ్యాలు బాగలేకపోయినాను, కానీ ఉద్యోగ భద్రత లేదు సార్. ఎవరు చనిపోయినా ఎక్స్ గ్రేషియా అనే మాట కూడా లేదు. కనీసము ఈరోజు మేము చేస్తున్నటువంటి ఈ సమ్మె మూడవ రోజుకు చేరుకుంది. మా యొక్క డిమాండ్ ఒకటే సార్, మేము కోరుకునేది ఏ ఆస్తులు అంతస్తులు కోరటం లేదు. మేము చేస్తున్నటువంటి సేవలను గుర్తించి మన తెలంగాణలో పనిచేస్తున్నటువంటి కాంట్రాక్టు ఆల్ సెకండ్ ఎన్ఎంస్ని రెగ్యులర్ చేయాలని ఒకటే మేము సవినయంగా కోరుచున్నాం సార్. ఖబర్నామేకే ఇఖ్తితామ్ సే ఖబ్ల్ ఆయే ఏక్ బార్ ఫిర్ నజర్ డాల్తే హే హెడ్లైన్స్ పర్. गंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने वादे को पूरा करते हुए बेला मंडल कुकदूर के लोगों के लिए मिनरल वाटर की फराहमी को बनाया यकीनी. अदलाबाद जिला कांग्रेस सदर सालिद खान ने बदले अपने अल्फाज, गंदी श्रीनिवास रेड्डी के मामले में लिया यू टर्न. शेख जुबैर अहमद बहैसियत सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मुंतखब, नायब सदर नशीन बल्दिया की क्यादत में पेश की गई तहनीत. खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही. ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा.